हेलो स्टूडेंट्स, कैसे लग रहे हैं आपको ऑपरेटर्स, कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स? तो स्टूडेंट्स, आज हमने लास्ट टाइम पढ़ा थे यूनरी ऑपरेटर्स हमने दो पढ़े थे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम करने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो एक ही ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं, जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें दो ऑपरेंड यूज़ होते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आपके दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स यूज होते हैं। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं हम, तो दो ऑपरेंड यूज़ होते हैं। अब उसमें भी हम चलें तो पहले हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम सभी जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के बीच में ही यूज़ होते हैं। या तो मैं दो ऑपरेंड्स का एडिशन करूँगा, या दो ऑपरेंड्स का सब्ट्रैक्शन करूँगा, या दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन करूँगा, डिवीजन करूँगा, तो सारे ही मेरे बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इसमें जैसे हम प्लस साइन यूज़ करते हैं एडिशन करने के लिए। मेरे ख्याल से इसके बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हो, मैथमेटिक्स सभी ने पढ़ रखा है। तो आप सभी को पता है प्लस हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, माइनस जो कि हाइफन का साइन होता है, हमारे कीबोर्ड में हाइफन का साइन होता है, ये हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, स्टार साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो कोई कीबोर्ड में है ही नहीं। तो स्टार इज़ अ ऑपरेटर विच इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, स्लैश डिवीजन करने के लिए, इससे हम नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, और लास्ट में जो फिफ्थ है वो है परसेंट का साइन हम यूज़ करते हैं इसके लिए। इसको हम मोडुलो और मोडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये परसेंट का साइन हमें कीबोर्ड में तो मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको मोडुलो और मोडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये करता क्या है, रिटर्न्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। दो नंबर्स को अगर दो नंबर्स के बीच में अगर मैं डिवीजन करने जा रहा हूँ, तो डिवीजन में अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है तो उस रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम मोडुलो और मोडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फाइव ऑपरेटर्स हो गए जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जांपल हैं। इसमें हमने प्लस देखा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मोडुलो ऑपरेटर। तो एग्जांपल्स देखें स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे स्टूडेंट्स में लिखा है इंट एक्स इजिकल टू 35, वाई इजिकल टू 20 और जेड, तीन वेरिएबल हैं इसके अंदर। एक्स तीनों ही इंटीजर टाइप के ले लिए, एक्स वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 35 है, वाई वेरिएबल की वैल्यू 20 है, और जेड वेरिएबल ले लिया। इसी तरीके से कुछ फ्लोट वेरिएबल्स ले रखे हैं। स्टूडेंट्स, इंटीजर और फ्लोट में आपको डिफरेंस समझ में आना जाना चाहिए। इंटीजर होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर और होल नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल प्लेस, उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जबकि फ्लोट्स आपके नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पहले इंटीजर टाइप के मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर करके हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इसी तरीके से फ्लोट टाइप के भी मैंने वेरिएबल ले रखे हैं, ए, बी और सी। फ्लोट ए वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, जबकि बी को मैंने वैल्यू असाइन करके 35.0। इसी तरीके से सी को भी वैल्यू असाइन करके है हमने 20.0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसके बारे में। मैंने लिखा है स्टूडेंट्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब जेड इज़ ए वेरिएबल जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों को ऐड कर देगा 35 प्लस 20, क्योंकि एक्स में वैल्यू है 35 और वाई में वैल्यू है 20, तो जेड में मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 55। जेड को अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो मेरे पास 55 आएगा। इसी तरीके से एक्स माइनस वाई करते हैं तो 35 में से हम 20 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू रिटर्न हो के आती है वो आती है 15, 35 में से 20 माइनस करने पे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में लिख रखा है जेड इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई। ये स्टार जो है मल्टीप्लाई के लिए, मैंने भी आपको बताया था कि ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। तो 35 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 700। इसी तरीके से जेड इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई किया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे पास जो जेड है वो भी इंटीजर है, एक्स है वो भी इंटीजर है, वाई है वो भी इंटीजर है। तो हम जब एक इंटीजर वैल्यू को दूसरी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर में ही आता है, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यूज को हटा दिया जाता है। तो 35 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए 1.75, लेकिन हम सिर्फ 1 को ही यहाँ पे लेंगे, 0.75 को ट्रंकेट कर देंगे क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो तीनों ही इंटीजर होने के कारण जेड में जो वैल्यू जाएगी वो सिर्फ 1 जाएगी, ना कि कुछ और जाएगी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैंने लिख रखा है ए इज इक्वल टू
एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दें, ए जो है हमने फ्लोट वेरिएबल ले रखे हैं, ए जो है फ्लोट वेरिएबल है, जबकि एक्स और वाई मेरे पास इंटीजर वेरिएबल्स हैं। ए फ्लोट वेरिएबल है जबकि एक्स और वाई इंटीजर वेरिएबल्स है। तो स्टूडेंट्स अगर हम दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट मेरा इंटीजर में ही आता है, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट वैल्यू को ट्रंकेट कर दिया जाता है। तो 35 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा, दोनों इंटीजर्स हैं और इनका जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो ए जबकि ए जो है आपका, जबकि जो मैंने ए ले रखा है वो मैंने फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल ले रखा है, तो जब ए के अंदर ये 1 वैल्यू जाएगी तो वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं ए को डिस्प्ले करवाता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1.0, क्योंकि उसने उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो सकता है 1.0000, डिपेंड करता है वो कितना हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट 1.0 लिखा है, 1.00 आपके आपकी 6-7 डेसिमल प्लेसेस तक आ सकती है वैल्यूज। तो स्टूडेंट सिंपली ऊपर वाले में हमने तीनों इंटीजर ले रखे थे तो 1 आ गया, यहाँ पे हमने इंटीजर डिवीजन की वैल्यू में फ्लोट में स्टोर कर रहा हूँ तो 1.00 कुछ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, इसमें मैंने जो फ्लो ए है वो तो फ्लोट वेरिएबल है ही है, जबकि एक्स और वाई दोनों इंटीजर वेरिएबल थे, लेकिन मैंने दोनों की वैल्यूज को ही फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ये फ्लोट मैंने लिख रखा है ना ब्रैकेट के अंदर, तो इस ब्रैकेट में जब हम ऐसा करते हैं इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए टाइप कास्टिंग क्या होता है। जब हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। स्टूडेंट्स अभी आपने देखा होगा ऊपर वाले एग्जांपल में भी, जब हम एक्स और वाई को डिवाइड कर रहे थे, जैसे ये लिखा हुआ है एक्स ए इज इक्वल टू एक्स स्लैश वाई, मतलब एक्स और वाई को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट हम ए में स्टोर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि पहले तो एक्स और वाई दोनों इंटीजर थे, रिजल्ट मेरे पास इंटीजर में आया मतलब 1 आया, लेकिन फ्लोट में कन्वर्ट फ्लोट में जाने के बाद वो वैल्यू 1.00 होगी, मतलब फ्लोटिंग फ्लोट में कन्वर्ट होगी, इंटीजर वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वहाँ पे हुआ है ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन और यहाँ पे हम कर रहे हैं कन्वर्जन। मैंने फ्लोट लिख के यहाँ पे नीचे वाले में मैंने खुद ए इज इक्वल टू फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई लिख रखा है ना, तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम मैनुअल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जब हम मैनुअली कन्वर्जन करते हैं एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में तो उसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, ठीक है स्टूडेंट। और जो ऑटोमेटिक पीछे हो रहा था उसको बोलते हैं कोएर्सियन, लिखना हो तो लिख लीजिए नोटबुक में नोट कर लीजिए, COERCIAN कोएर्सियन। जब ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है उसे हम कोएर्सियन बोलते हैं, जब हम खुद कन्वर्ट करते हैं उस टाइप कास्टिंग करते हैं तो कन्वर्ट जब हम खुद करते हैं तो उसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट लिखा हुआ है दोनों जगह तो मैं टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ, मैंने एक्स को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और वाई को भी फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और फिर उन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास पूरा रिजल्ट 1.75 आ जाएगा, क्योंकि ए भी फ्लोट है तो ए में जो रिजल्ट जाएगा वो 1.75 जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल और स्टूडेंट देखें, इसमें लिख रहेगा ए इज इक्वल टू बी स्लैश सी। स्टूडेंट्स इसमें ए भी फ्लोट में है, बी भी फ्लोट में है, सी भी फ्लोट में है, तो हम आपका रिजल्ट 1.75 ही आएगा, जबकि ऊपर हमने एक्स और वाई हमारे इंटीजर में थे, हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया था, जबकि यहाँ पे बी और सी ऑटोमेटिकली मतलब पहले से ही फ्लोट में हैं, तो आपका रिजल्ट 1.75 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स जेड इज इक्वल टू एक्स मॉडुलो ऑपरेटर वाई, ये रिमाइंडर बताने के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। तो 35 को अगर मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो 20 से कम 20, बाकी कितने बच गए 15 रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर ही बताने के लिए स्टूडेंट। तो जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बच जाता है वो मॉडुल ऑपरेटर के कारण ही आता है, मॉडुल ऑपरेटर ही उस वैल्यू को रिटर्न करता है आफ्टर डिवीज़न, जो रिमाइंडर आता है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये आपको, ये चीज़ आपने करके देखनी है पर्सनली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मेरे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम से पता चल रहा है कि रिलेशनशिप के लिए, जब हम मैथमेटिक्स में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन लगा के, या दो नंबर्स को कंपेयर करना चाहते हैं या दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, इस टाइप की कंडीशन बना के हम ये कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू नंबर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर का काम ही क्या है, ये दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और रिजल्ट भी ये 0 और 1 में देता है, मतलब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो नंबर्स को, मैंने कुछ साइन यूज़ किया है, अगर वैल्यूज़ मेरी ट्रू आती है तो वो 1 रिटर्न करेगा, वैल्यू फॉल्स आती है तो वो 0 रिटर्न करेगा उस केस में। तो जैसे ये स्टूडेंट है, मेरे पास पहला ऑपरेटर है लेस देन, इसको डिस्क्रिप्शन में हम लेस देन ही लिखेंगे, अगला है ग्रेटर देन, इसको लिखेंगे ग्रेटर देन, अगला है लेस देन और इक्वल टू,
उससे अगला ग्रेटर देन और इक्वल टू, उससे अगला इक्वल टू और फिर नॉट इक्वल टू। स्टूडेंट्स हमने कई बार देखा होगा, हम ऐसे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू फाइव, वहाँ पर हम सिंगल एक ही इक्वल का साइन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जब हम सिंगल एक इक्वल का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको हम क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जहाँ पर हमने मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जबकि यहाँ पे जो है ये डबल इक्वल हमने लिख रखा है, इसको यहाँ पे हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो एक्सक्लेमेशन इक्वल लिखा हुआ है इसको हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं एक्सक्लेमेशन के साथ, ठीक है। तो ये मेरे कुछ रिलेशन ऑपरेटर्स हैं जिनको हम कंपेरिजन ऑपरेटर भी बोल देते हैं, और ये भी आपका रिजल्ट जीरो वन में देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वन में रिजल्ट देंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो जीरो में रिजल्ट हमें शो कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, मैंने लिखा है इंट एक्स इजिकल टू 35, वाई इजिकल टू 20 और मैंने लिख रखा है जेड, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने नीचे लिखा जेड इजिकल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स इक्वल वाई से ग्रेटर देन है या नहीं है, है तो जेड में हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा वन जाएगा क्योंकि ट्रू है। नेक्स्ट मैंने लिखा है एक्स लेस देन वाई, ये फॉल्स हो जाएगा तो जेड के अंदर मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी जीरो जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है जेड इजिकल टू एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। जब हम ऐसे लिखते हैं ना ग्रेटर देन और इक्वल टू और, इसका मतलब और है बीच में, एंड नहीं है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, मतलब इक्वल तो है नहीं लेकिन ज़्यादा जरूर है, तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी वन हो जाएगी। ऐसे ही एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई लिखा है, उसमें मेरा कोई है नहीं लेकिन फिर भी एक्स की वैल्यू वाई से कम या मतलब लेस देन और इक्वल टू बता रखी है जो कि नहीं है, तो ये फॉल्स होगा और फॉल्स में ये जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लिखा है जेड इजिकल टू एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स और वाई की वैल्यू को चेक किया जाएगा, दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट वन आएगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो रिजल्ट हमारा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा क्योंकि 35, 20 बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू रिलेशन एक्सप्रेशंस, ये दो रिलेशन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन टू रिलेशन एक्सप्रेशंस, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके दो रिलेशन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, और ये रिजल्ट भी आपका जीरो और वन की फॉर्म में देते हैं। जैसे कि डबल एंड लिखोगे तो उसका मतलब लॉजिकल एंड है, डबल पाइप साइन लिखोगे तो उसका मतलब है लॉजिकल और, एक्सक्लेमेशन साइन लिखोगे तो उसका मतलब है लॉजिकल नॉट। एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, लिखा है इंट एक्स इजिकल टू 35, एक्स की वैल्यू 35 है, वाई की वैल्यू 20 है और जेड की वैल्यू 10 है, आर मैंने एक वेरिएबल और ले रखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने आर इजिकल टू एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई है या नहीं है, है ना, और बीच में फिर मैंने लॉजिकल एंड यूज़ किया और फिर मैंने पूछा वाई ग्रेटर देन जेड, हाँ वो भी सही है, वाई की वैल्यू जेड से भी ज़्यादा है और एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा है, दोनों ही ट्रू होगी तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। नीचे वाला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई है और दूसरा मैंने लिखा है एंड वाई लेस देन जेड, अब इनमें से एक कंडीशन फॉल्स होगी ना, मतलब वाई लेस देन जेड तो फॉल्स है लेकिन एक्स ग्रेटर देन वाई ट्रू है, तो रिजल्ट मेरा कैसे क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्योंकि एंड के केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जबकि और के कंडीशन में किसी कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एंड है उसमें हमारे पास सारी वो है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रखा है एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर बीच में और है, और का साइन है, फिर वाई लेस देन जेड, मतलब एक्स की वैल्यू वाई से ज़्यादा है और वाई की वैल्यू जेड से लेस है, दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए। अब एक्स ग्रेटर देन वाई तो ट्रू है लेकिन वाई लेस देन जेड फॉल्स है, तो ये रिजल्ट हमारा वन में ही देगा क्योंकि कंडीशन एक भी ट्रू आ जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई और एंड वाई ग्रेटर देन जेड लिख रखा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है, एक्स वाई से भी ज़्यादा है और वाई जेड से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन ट्रू है लेकिन बाहर मैंने एक्सप्लेनेशन साइन लगा दिया और उसके बाद ये सारा ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या करेगा उसको नॉट इक्वल कर देगा, नॉट इक्वल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा मेरा उसको नॉट इक्वल में ये कन्वर्ट कर देगा, मतलब नॉट इक्वल में कन्वर्ट नहीं कर देगा, मतलब अपोजिट कर देगा। जैसे रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा, नॉट इक्वल नहीं मतलब फॉल्स या ट्रू को अपोजिट कर देगा, रिवर्स कर देगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, जनरली हम लिखते हैं ना इंट ए इज इक्वल टू 5, जनरली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ क्या करते हैं, हम कोई ना कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उनके असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा भी हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स हैं जिनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे।
देयर आर सम असाइनमेंट ऑपरेटर्स विच आर कम्पोज ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जी मैं आपको बता रहा था, ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेटर से मिलकर बने हैं, एक तो अर्थमेटिक और एक असाइनमेंट ऑपरेटर। दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इसलिए इन ऑपरेटर्स को हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं इनको, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं एंड दूसरा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। जैसे सिंगल इक्वल लिखोगे तो वो असाइन करने के लिए, जैसे इंट इज इक्वल टू 5 कर दिया। अगला है प्लस इक्वल, ये वैल्यू में एड एडिशन कर देगा और वैल्यू को दोबारा असाइन कर देगा। जैसे मैंने लिखा a प्लस इज इक्वल टू 3, मान लो a की पहली वैल्यू थी 5, तो 5 में ये 3 ऐड कर देगा और दोबारा वो वैल्यू a को असाइन कर देगा, तो a की वैल्यू मेरे पास अब नई क्या आ जाएगी 8। ऐसे ही नीचे माइनस इक्वल है, ये क्या करेगा 5 की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन कर देगा और दोबारा वो वैल्यू आपकी a को ही असाइन कर देगा। जैसे लिखा a माइनस इज इक्वल टू 2, तो ये जो a की वैल्यू थी मतलब 5 थी, 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देगा और रिजल्ट को दोबारा a में स्टोर कर देगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा इसमें 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस किए 3। ऐसे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू है, अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू मेरे पास 5 थी जैसे, तो उस वैल्यू में 4 को मल्टीप्लाई कर देगा और वैल्यू दोबारा a को असाइन कर देगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगला है, ये थोड़ा सा गलत है, ये नहीं है प्लस इक्वल माइनस इक्वल, हाँ डिवीजन इक्वल, सॉरी गलत तो नहीं है, ठीक है ये डिवीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे a डिवाइड इज डिवीजन इज इक्वल टू 3 लिखा है, तो a की वैल्यू जो भी होगी जैसे 5 है, 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा ओनली, क्योंकि दोनों ही इंटीजर हैं तो 1 आ जाएगा। ऐसे नीचे मोडुलो इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा है a मोडुलो इक्वल 3, मान लो a की वैल्यू 5 है तो 5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा 2 आएगा, 2 दिखा रखा है हमने कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से ये मेरे ऑपरेटर्स काम करते हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स मेरे पास ऑपरेटर आता है वो आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज नाम से पता चल रहा है कि बिट बाय बिट अगर हम कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बिट बाय बिट, तो उसे बोलते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस और बाइनरी नंबर्स। जनरली बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज़ हम करते हैं, ये वहाँ ये ऑपरेटर वहाँ पर अप्लाई होते हैं यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर ना होकर बाइनरी नंबर हो। तो ये कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंगल इक्वल लगोगे, देखो लॉजिकल एंड में हमने डबल इक्वल लगाया था, सॉरी डबल एंड लगाया था, डबल एम्परसेंड लगाया था वहाँ पे लॉजिकल एंड के लिए। इसी तरीके से लॉजिकल और के लिए हमने डबल पाइथन लगाया था, लॉजिकल नॉट के लिए हमने एस्टिमेशन साइन लगाया था। लेकिन यहाँ पे सिंगल इक्वल लिखेंगे उसको बोलेंगे बिट वाइज एंड, सिंगल पाइथन लिखेंगे तो उसको बोलेंगे बिट वाइज और, अच्छा ये टाइल्ड साइन लगाएंगे तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, फिर ये कैरेट साइन लगाएंगे इसको बोलेंगे हम एक्सोर के लिए, डबल लेस देन लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, डबल ग्रेटर देन लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे राइट शिफ्ट ऑपरेटर। एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा इंट एक्स इजिकल टू 5, वाई इजिकल टू, और तीसरा वेरिएबल मैंने लिया जेड, फिर मैंने नीचे लिखा जेड इजिकल टू एक्स बिट वाइज एंड वाई। स्टूडेंट्स अगर डबल अगर एंड होता है तो मैं यहाँ पे डबल एम्परसेंड लगाता है, लेकिन यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर्स की बात हो रही है तो मैंने सिंगल एम्परसेंड का यूज़ किया, एक्स एम्परसेंड वाई। अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंटीजर 2 बाइट्स का होता है मेरी लैंग्वेज के अंदर, इंटीजर हमारे हम कितने बाइट्स का लेते हैं 2 बाइट्स का लेते हैं, 2 बाइट्स का मतलब कितने बिट्स होने चाहिए 16 बिट होने चाहिए, तो मैंने एक्स की वैल्यू भी 16 बिट में ले ली, वाई की वैल्यू भी 16 बिट में ले ली, और रिजल्ट जो आएगा उसको भी हम 16 बिट में लिखने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास जैसे 101 आती है वैसे, तो देखिए मैंने इसको 6 वो डिजिट तक लिखा है, 16 डिजिट सॉरी, ऐसे y की वैल्यू 2 है तो इसको भी हम 16 डिजिट तक लिखेंगे, तो मेरे पास ये लास्ट में आ गया 010। अब z के अंदर हमने चेक करना है कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू होगा, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है रिजल्ट फॉल्स होगा, तो जितने भी जीरो हैं ये तो जीरो ही रहेंगी, कोई फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका आ गया 1 और नीचे आ गया 0, मतलब एक कंडीशन ट्रू है तो 1 रहेगा, ऐसे ही ऊपर 0 है नीचे 1 है, एक कंडीशन ट्रू है तो 1 आ जाएगा, ऐसे ही ऊपर 1 है और नीचे 0 है तो कंडीशन सेम ही है तो 1 आ जाएगा, मतलब वो एंड लगा रहे हैं ना हम, सॉरी एंड लगा रहे हैं, एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, जैसे एक 1 है एक 0 है मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। ऐसे ऊपर 0 है नीचे 1 है तो यह भी फॉल्स है तो ये भी 0 ही आएगा, ऐसे ऊपर 1 है फिर 0 है ये भी फॉल्स है तो 0 आएगा, मतलब सारी 0 आ जाएगी, इसका जो आउटपुट आएगी वो 0 ही आ जाएगी। अगला एग्जांपल देखें, इसमें बाइनरी एडिशन की जगह हमने बाइनरी और का यूज़ किया, बाइनरी मतलब बाइनरी एंड की जगह हम बाइनरी और का यूज़ कर रहे हैं,
बाइनरी और के केस में, बिटवाइज और के केस में क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो चल जाएगा। जैसे एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी 101 आया लास्ट में, ऐसे वाई की वैल्यू लिख दी तो 010 आया लास्ट में। अब मुझे करना है इन पर बिटवाइज और ऑपरेटर अप्लाई करना है, और बिटवाइज और ऑपरेशन में क्या होगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट मेरा ट्रू हो जाएगा। जहाँ पे ये 00 है वहाँ तो सारे 00 आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे ऊपर 1 है नीचे 0 है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे जहाँ पे 0 है ऊपर और नीचे 1 है वहाँ भी 1 आ जाएगा, ऊपर 1 है नीचे 0 है तब भी 1 आ जाएगा। मतलब लास्ट में तीनों 111 आ जाएंगे, जिसका मतलब होता है 7। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है और जेड लिया है, फिर नीचे लिखा है जेड एक्स कैरेट साइन वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स और वाई के बीच में एक्स और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। ये कैरेट साइन आपका एग्जांपल है एक्स और ऑपरेशन का। तो एक्स की वैल्यू को, एक्स की जो वैल्यू थी 6 थी, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। आपको आता है बाइनरी में कन्वर्ट करना, नहीं तो मेरे डिजिटल वो नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, नंबर सिस्टम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो देख लीजिए उसके लिए। तो सिंपली हमने क्या किया, इसमें जो 6 था उसको मुझे अब क्या करना है, 6 और 2 का एक दौर ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो 6 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे फिर मैंने y में 2 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब z के अंदर क्या होता है, एक दौर ऑपरेशन में कोई भी एक ट्रू है, ठीक है, मतलब दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो रिजल्ट मेरा ट्रू आ जाएगा, दोनों ही सेम है तो रिजल्ट मेरा फॉल्स आएगा। जैसे ये सारे 00 हैं दोनों में, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये 0 ही रहेंगी, जबकि एक में आपको ऊपर 1 आ गया नीचे 0 आ गया, दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं, एक 1 है तो एक 0 है तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा। ऐसे ही आगे दोनों 1 है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 आगे 1 है तो दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, दोनों सेम होंगे तो रिजल्ट मेरा 0 रहेगा। इसको मैं 0 ले लेता हूँ, फिर अगली वैल्यू भी मैं वो 0 ही आएगी क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे आ गया 100 जो कि 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यहाँ पे x इजिकल टू 6 है जो कि इंटीजर है, और दूसरा वेरिएबल है मेरा y। मैंने लिखा y इजिकल टू x लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब x की वैल्यू जो मेरे पास आती है उसको मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है 2 बिट्स। तो x में मेरे पास वैल्यू क्या आई, 0000, ये मैंने सारा लिख रखा है, लास्ट में 110 है। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करेंगे तो लेफ्ट मतलब लेफ्ट में उतने बिट आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो लेफ्ट में लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, वो लेफ्ट से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे 2 बिट से, ठीक है, और जो राइट में हम 00 और ऐड कर देंगे। तो x की वैल्यू जैसे 110 थी सॉरी, लेकिन हमने 2 पॉइंट से लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो 110 के बाद आपके 002 और आ जाएंगे, मतलब ये 11000 हो जाएगा। और जबकि इसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए पीछे से 0 हटाई भी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स ऑर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एक्स ऑर ऑपरेशन में अगर दोनों ही सेम है तो रिजल्ट 0 रहेगा, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तब रिजल्ट मेरा 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, इसमें लेफ्ट शिफ्ट की जगह राइट शिफ्ट यूज़ किया है, मेरे पास रिजल्ट आ गया एक्स के अंदर। अब मुझे राइट में 2 बिट्स शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में 00 ऐड कर देंगे और राइट में हमें शिफ्ट करना ही है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये हमने कर भी लिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज़ करना सीखा, ठीक है स्टूडेंट्स आगे चलें। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे वो सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर थे। अब हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक टर्नरी ऑपरेटर है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर यूज टू रिटर्न ए वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ये एक वैल्यू रिटर्न करता है कंडीशन के बेस पे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्वेश्चन मार्क कोलन साइन। क्वेश्चन मार्क कोलन साइन से अगर हम लिखते हैं तो वो आपका कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर होगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू इफ एल्स स्टेटमेंट, ये बेन में अभी आपको बताया भी था। तो आपका यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करेगा, आपके ये जो ऑपरेटर्स वगैरह हैं ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। तो यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। मैंने लिखा इंट एक्स इजिकल टू 20, वाई इजिकल टू 35, मतलब एक्स की वैल्यू 20 है और वाई की वैल्यू 35 है, और मैंने लिखा जेड। जेड में मैंने लिख दिया एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई मुझे चेक करना है क्या एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो पहली वाली वैल्यू को हम ले लेंगे, अगर पहली वाली अगर कंडीशन ही फॉल्स है तो दूसरी वाली वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर नहीं है जबकि स्मॉल है। तो कंडीशन फॉल्स वाली क्या होगी, वाई की वैल्यू मैं जेड में स्टोर कर रहा हूँ और वाई की वैल्यू 35 है, तो जेड में भी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 35 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, आपको इसमें आउटपुट बतानी है। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 5 ले रखी है और फिर प्रिंट एफ में मैंने लिखा है परसेंट डी कॉमा आई असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू में एक ऐड कर देंगे, आई की वैल्यू 6 होगी और 6 को 6 से हम कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा, तो आउटपुट इसमें क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये खैर फ्रेंड मैंने आपको बता ही दिया लेकिन करना आपको फिर भी है। अब नीचे वाले एग्जांपल में क्या होगा, आई की वैल्यू 5 है और मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस इज इक्वल टू 6, तो इसमें आई की वैल्यू 5 ही रहेगी क्योंकि फर्स्ट फिक्स इंक्रीमेंट है ना, तो आई की वैल्यू 5 ही रहेगी और 5 को अगर मैं 6 से कंपेयर करता हूँ तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब रिजल्ट 0 आ जाएगा। पहले वाले केस में रिजल्ट 1 था और यहाँ पर उस केस मेरा 0 आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन लास्ट वाले वैसे आपको करने हैं लेकिन मैंने आपको फिर भी हिंट दे दिए, लेकिन आपको ये करने हैं पर्सनली करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगला एक्सप्रेशन लिख रखा है हमने x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मॉडल ऑपरेटर माइनस 8। तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमने प्रायोरिटी देखी जाएगी, प्रायोरिटी हमने पढ़ा ना, बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल होता है और उस रूल के हिसाब से हमारे मतलब वो कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स होता है सॉल्व। तो खैर यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो हमने दे रखा है इसमें प्लस को देखा जाए और एक मॉडल ऑपरेटर को देखा जाए, तो आपसे पूछा जाए कि दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, तो प्लस में और या मॉडल ऑपरेटर में, तो मैं मॉडल ऑपरेटर की ओर ही इशारा करूँगा। तो मॉडल ऑपरेटर में एक सिंपली एडिशन से ज़्यादा पावर है, तो इस केस में हमने क्या किया, 2 को हम माइनस 8 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। 2 को जब हम माइनस 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर निकलता ही नहीं है, बल्कि सेम वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर उस 2 वैल्यू को हम 4 में ऐड कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, इसमें ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है। स्टेटमेंट में लिख रहा है ए ग्रेटर देन बी जो कि फॉल्स है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कोलन साइन पहले लिख दिया, क्वेश्चन मार्क बाद में लिख दिया, तो ये कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, यहाँ पे गलत है, गिव्स कंपाइलेशन एरर। हमेशा पहले आपका मतलब ग्रीन शीट होनी चाहिए या येलो शीट होनी चाहिए, उसके बाद आपका रिजल्ट बाकी का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा उसको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको लिखना ज़रूर है कि कौन सी प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हो कर पाए आप। तो स्टूडेंट्स मैं क्विट करता हूँ इसी के साथ ही, और स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको से फिर एक रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ कि मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।